हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? अपन लोगों ने बच्चों फर्स्ट पार्ट में रिसोर्सेस, उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखा। बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से चीज़ों को कवर करते जाइए, ये काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। आई बात समझ में? अपने पर्टिकुलर नोट्स बनाते जाइए। अब अपन ने चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया, वो था रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में भी कौन से? नेचुरल रिसोर्स। आई बात समझ में? अपन ने नेचुरल रिसोर्स को क्या करा, कंप्लीट कर दिया पूरी तरीके से। अपन ने नेचुरल रिसोर्स को डिस्कस करा था, मैंने उसके पहले भी बेसिक कुछ आपको बातें बताई थी। आई बात समझ में? चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़नी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है ना। अब चैप्टर में से या तो तीन पोर्शन में से कोई ना कोई एक पोर्शन का क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आपको मिलेगा, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। या तो रिसोर्सेज से मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आ जाएगा, रिसोर्स प्लानिंग से आ जाएगा जो अपन ने कवर करा, या फिर लैंड रिसोर्सेज से आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर इसके बाद जो है थर्ड पार्ट आएगा सॉइल, तो उससे आ जाएगा। तो आप अपन स्टार्ट करने वाले हैं लैंड रिसोर्स। सीधी सी बात है, लैंड रिसोर्स भूमि संसाधन क्या होता है? लाइफ की जितनी प्रोसेस है सारी कहाँ पर होती है? लैंड पर होती है। तो लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। अच्छा, मैं आपको बोलूँ, लैंड रिसोर्स जो है, सुनना, लैंड रिसोर्स जो है वो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, सीधी सी बात है, लेकिन इसको अपन पर्टिकुलर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई बात समझ में? अपनी लाइफ प्रोसेस में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए अपन इसको पढ़ते हैं। और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि आप जब भी बात करते हो पूरी दुनिया की, तो घूम फिर के बात अपन काय की करेंगे? इंडिया की करेंगे, ठीक है ना। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, और यहाँ पर आपको हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। कास्ट को लेकर तो छोड़ दीजिए, लैंग्वेज को लेकर छोड़ दीजिए, कल्चर को लेकर छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर अपन ज्योग्राफिकली भी देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में हर तरह, 9th क्लास में पढ़ा है आपने अच्छे से, इंडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अरे, माउंटेन्स अवेलेबल हैं, प्लेन्स अवेलेबल हैं, आइलैंड्स अवेलेबल हैं, रिवर्स अवेलेबल हैं। आई बस हमने, इंडिया में सारी चीज़ अवेलेबल है, तो अपन क्यों दुनिया के बारे में पढ़ें? और जब अपन को पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़े ना। तो मैंने बोला अपन बात करेंगे घूम फिर के इंडिया की। तो इंडिया का लैंड रिसोर्स जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है अपन वो देखेंगे। आई बात समझ में? तो इंडिया का लैंड रिसोर्स जो है, ध्यान से सुनना, अब स्टार्ट अच्छे से हो गया। इंडिया का लैंड रिसोर्स जो है वो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे मेन पार्ट फर्स्ट जो है प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यूज। आई बात समझ में? इंडिया का 43% प्लेन्स के लिए इंपॉर्टेंट, प्लेन्स कवर करता है। और प्लेन्स में क्या एक्टिविटीज़ होती है, मैदानी भाग में क्या गतिविधियाँ होती है, आपको मालूम है ना? प्लेन्स में क्या एक्टिविटी होती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, लिविंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा वहीं होती है, रिवर सबसे ज़्यादा वहीं होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें अपन को लिखनी है, प्लेन्स ये हो गया। प्लेन्स के बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया माउंटेन्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी रिवर्स प्लेन्स में फ्लो कर रही हैं वो सारी लगभग अराउंड 80% रिवर्स जो हैं वो कहाँ से निकल के आती है? प्लेन से निकल के आती है, माउंटेन से निकल के आती है। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि माउंटेन्स जो है वो टूरिस्ट प्लेस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे लाइफ प्रोसेस भली थोड़ी कम है, वहाँ पे लिविंग प्रोसेस थोड़ी कम है, लेकिन ह्यूमन लिविंग प्रोसेस कम है, लेकिन वहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा। क्यों? टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेंगे, कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। आई बात समझ? तो वहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। तो माउंटेन्स कितना परसेंट कवर कर रहा है इंडिया का? 30% टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तीसरी चीज़ जो है प्लेट्यूज, पठारी भाग। इंडिया में जो प्लेट्यूज है कितना परसेंट कवर कर रहा है? 27%। और 27% इन प्लेट्यूज में क्या होता है? मिनरल्स होता है जिसकी माइनिंग करी जाती है। आई बात समझ में? जिसमें आप जो आप जितनी भी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? मिनरल्स जितने भी निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? प्लेट्यूज से निकलते हैं। आपने पढ़ा है इंडिया का सबसे रिच प्लेट्यू कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया का सबसे रिच प्लेट्यू है। आई बात समझ? किसके लिए? मिनरल्स के लिए। अब अपन देखेंगे लैंड रिसोर्सेज, आपने पढ़ा लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब देखना अपनी कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है, या फिर नेचुरल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। प्राकृतिक आपदा भी तो आती है, नेचुरल डिजास्टर भी तो आता है, ठीक है ना। हर समय इंसान ही जिम्मेदार हो गया क्या? नहीं, प्रकृति भी जिम्मेदार होती है, और ज़रूरी है वो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ को आगे बढ़ाना होता है, कहीं ना कहीं जो अर्थ का जो लाइफ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जब डिस्टरबेंस आता है तो वो नेचुरल डिजास्टर कॉज करता है। आई बात समझ में? वो जब नेचुरल डिजास्टर कॉज करता है, तो मेरी बात सुनना, मैंने आपको बार बार 2 वर्ड बोल रहा हूँ, क्या? एक तो ह्यूमन,
और एक बोला मैंने नेचर, प्रकृति है भाई, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मानव ये भी कुछ भी कर सकता है, है ना। मानव ने प्रकृति को तोड़ा, प्रकृति मानव को तोड़ रही है। कोरोना वायरस अच्छा निकला किसकी वजह से? अपन लोगों की वजह से। लेकिन ये इसका खौफ है, आई बात समझ में? कहीं ना कहीं आपको इससे सीखना चाहिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, अर्थ जो है कहीं ना कहीं अभी रिकवर हो रही है, तो इसी वजह से चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बोला लैंड डिग्रेडेशन, एक टर्म है जो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकती है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? डिक्रीजिंग इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, बस सिंपल भाषा में बोलूँ, है ना। डिक्रीजिंग इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, जब लैंड की क्वालिटी में कमी आती है तो वो क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है, ड्यू टू सम ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज। बस लैंड डिग्रेडेशन ही होता है। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज, अब वो ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल एक्टिविटीज में हुआ क्या क्या है, ये कॉजेज हो गए, आई बात समझ में? तो इसमें कॉजेज क्या है, बिल्कुल पॉइंट वाइज चैप्टर को नोट्स बनाइए, याद करिए, कहीं से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, आई बात समझ में? तो कॉजेज क्या है, 4 कॉजेज इसके इंपॉर्टेंट। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, क्या बोला मैंने? डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई कर देना। आप भाई प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो प्रकृति भी तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। आपने क्या करा, वनों की कटाई कर दी, पेड़ों को काट दिया, तो वहां की जो जमीन थी वो डिस्टर्ब हुई, वहां की जो लैंड में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आया, ठीक है ना, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ। पहला डिफॉरेस्टेशन। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग चराना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जमीन पे। यहां पर अगर आप इंसान नहीं, ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे, कैटल फार्मिंग करोगे। यहाँ पर क्या करोगे आप, कैटल फार्मिंग करने की वजह से यहाँ पर कैटल क्या करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे। जब ये क्वांटिटी बढ़ती है, जब ये क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो रिसोर्सेज होंगे लैंड पर, है ना, जो प्लांटेशन होगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म होने लगेंगी, आई बात समझ, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो क्या हुआ, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन। 9th क्लास में पढ़ा है आपने, है ना, ये ओवर ग्रेजिंग ख़त्म कर दी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ओवरग्रेजिंग इंडिया में ख़त्म कर दी गई थी, फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, सारी चीज़ आपने जानी। इसके बाद देखना, ओवरग्रेजिंग के बाद ओवर इरीगेशन, ज़मीन को पानी की ज़रूरत है, है ना। आप वाटर सप्लाई करते हो थ्रू कैनाल्स, ठीक है ना, आप इरीगेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, वाटर सप्लाई कर रहे हो। लेकिन मैंने बोला पानी मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा पानी पी लूँ, अति हर चीज़ की पूरी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने बोला मैं ज़्यादा पानी पी लूँ, तो क्या करा मैंने, इरिगेशन वाटर सप्लाई ज़्यादा कर दिया, जितना अमाउंट चाहिए था उससे ज़्यादा मैंने वाटर सप्लाई कर दिया। अब देखो सीधी सी बात है, बारिश आई, ये नेचुरल एक्टिविटी भी हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है। बारिश आई किसी जगह पे, वाटर स्टोर क्या होगा, बहुत लंबे लेवल, बहुत हाई क्वान्टिटी तक क्या हुआ, वाटर लेवल हो गया, और वो बहुत समय तक रहा, तो वहाँ की जो सॉइल हुई दलदली हो गई, लोमी सॉइल हो गई, है ना, और जिसकी ज़रूरत अपन को वहाँ पर नहीं थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, नुकसान हुआ ना ज़मीन का, है ना। तो एक क्या हुआ, ओवर इरिगेशन, ठीक है ना, ओवर इरिगेशन। इसके बाद वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, इतनी प्यारी धरती है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, केमिकल छोड़ दे रहे हो, केमिकल फेंक दे रहे हो, तो उस वजह से ज़मीन तो ख़राब होगी, तो वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, आई बात समझ में, इंडस्ट्रीज मटेरियल। इसके बाद में आप वो माइनिंग का भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है, चार आपके लिए काफ़ी है कॉजेस। अब देखना, मैंने आपको बोला अब भाई ये चीज़ हुई, हमेशा आपको बुखार आएगा, बुखार आने के कॉज तो पड़ ली है, अब बुखार आने के लिए आप क्या करोगे, दवाई लेने जाओगे। अब इसको ख़त्म कैसे करें, फीवर आया इसको ख़त्म कैसे करें भाई, तो इसको ख़त्म करना मतलब कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसको बचाएं कैसे, कंजर्व कैसे, लैंड डिग्रेडेशन को कम कैसे करें, है ना, लिमिट अपन लिमिट में कैसे लेके आएँ, तो उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, कंजर्वेशन में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखना, जो ये चीज़ें हैं कॉजेज हैं, इसी को क्या कर दो, अपोजिट कर दो, सीधी सी बात है, ये तो इसमें तो माहिर हैं सब बच्चे, है ना। पहला एफॉरेस्टेशन, सीधी सी बात है भाई, पेड़ काटे तो लगा दो, पाप धो लो, आई बात समझ में, एफॉरेस्टेशन। उसके बाद मैंने बोला ओवर ग्रेजिंग, आप क्या करो, एक सिस्टमेटिक मैनर में ग्रेजिंग करवाओ, सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में क्या कराओ, ग्रेजिंग करवाओ। इसके बाद मैंने बोला ओवर इरिगेशन, ये भी सिस्टमेटिक मैनर में करवाओ, इरिगेशन को सिस्टमेटिक मैनर, या तो क्वेश्चन इससे आएगा या क्वेश्चन इससे आएगा, या क्वेश्चन 5 नंबर में तीनों का आ सकता है, आई बात समझ में। फिर मैंने बोला आपको वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज क्या करो,
जितना भी इंडस्ट्री वेस्ट है, या तो उसको रिसाइकल करो, रीयूज करो, या उसको लैंड पर एक्सक्रीट मत करो, लैंड पर एक्सक्रीट मत करो। आई बात समझ में? तो आपने क्या पढ़ा, कॉजेस पढ़ लिए, कंजर्वेशन पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने लैंड डिग्रेडेशन देख लिया, आपने लैंड रिसोर्स पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब लैंड का यूटिलाइजेशन इंडिया में कैसे कैसे लेवल पे, लैंड का यूटिलाइजेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, अपन ने डाटा जब देखा तो कुछ कुछ एरिया जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है वहाँ पर अपन डाटा नहीं मैच कर पाए, अरुणाचल प्रदेश और असम का कुछ एरिया है वहाँ पर अपन डाटा सर्वे नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर वहाँ के अपन कुछ ट्राइबल एरिया की वजह से कह लो, ठीक है ना, तो वहाँ पर अपन ने सर्वे नहीं करा। लेकिन जब 93-94% जमीन पर जब सर्वे करा, लैंड पे जब सर्वे करा, तो ये देखा कि इंडिया में आपने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ये आपने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, यूटिलाइजेशन उस जमीन का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में। आपको मालूम है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि 60% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की कहाँ पर इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हो रहा है भाई। एपी लिख देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लिख लीजिएगा, लेकिन आप फुल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसके बाद में कहाँ पर हो रहा है, अरे भाई ये हुआ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग है ना, उसको पूरा लिख लेना, कैटल फार्मिंग। उसके अलावा और कहाँ कहाँ पर, अरे ये लैंड यूटिल, एक तरीके से ये भी तो लैंड का यूटिलाइजेशन ही है। अच्छा, अभी ह्यूमन मेड बात करेंगे अपन, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है भाई, ज़मीन का यूज़ कहाँ कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, डेवलपमेंट में कर रहे हो। ये इंडिया का यूटिलाइजेशन है, इंडिया का यूटिलाइजेशन है लैंड का। आई बात समझ में? अब देखिए, मेरी जो कहने की बात है, अब चैप्टर इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट बचा है, इसके बाद में थर्ड पार्ट में मैं आपको सॉइल का बताऊंगा, और टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ के अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आना कहीं से। आई बात समझ में? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये आपने क्या पढ़ा, लैंड का यूटिलाइजेशन पढ़ा, अब मेरी बात सुनना। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आई, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आई, और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या थी, वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में। कुछ डाटा है जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है अपन को। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, 1952 में, है ना, 1952 में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आई। उसने बोला सिर्फ और सिर्फ 33% ज़मीन जो है, 33%, 33% ज़मीन, लैंड का भाग, ज़मीन का भाग क्या कर दिया जाए, फॉरेस्ट के लिए रिजर्व कर दिया जाए, फॉरेस्ट के लिए रिजर्व कर दिया जाए। किसका भाग, ज़मीन का 33, मतलब मैंने बोला मेरे पास 3 रुपए हैं, 1 रुपए तो मैं बचा के रखूँगा, ऐसे ही मेरे पास क्या है, 100% ज़मीन, 33%। हर स्टेट के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन एक चीज़ नॉलेज के लिए जान लो, कोई भी स्टेट इस चीज़ को ओवरकम नहीं करता। मैंने बोला कोई भी इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं जिसके वहाँ पर 33% फॉरेस्ट हो। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो किस स्टेट में है, एमपी में, एमपी में कितना परसेंट, 30%। आई बात समझ में? तो ये अपना हुआ पूरा लैंड रिसोर्सेज, इसको अच्छे से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी ही, ठीक है, बाय।